मथुरा के गांधी पार्क में स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस कराटे चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन में उत्तर प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए छात्र छात्रों को चयनित करना, जिससे दिल्ली में होने वाले इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं अपनी छाप छोड़ सकें और उत्तर प्रदेश की छात्र छात्राएं बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। इस टूर्नामेंट में अलग अलग जिलों से आए करीब 130 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अधिवक्ता मोहन श्याम शर्मा ने कहा कि देखिए, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि बच्चों के बीच में आकर के मुझे एक खेल कानून लेने को मौका मिला है, क्योंकि खेल जो है हमारे जीवन में उतने ही जरूरी है जितने जरूरी हमारे दिनचर्या है, क्योंकि गेम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और खासकर जो गेम यहाँ हो रहा है कराटे वाला जो कराटे, ये तो जो है स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ खुद की सुरक्षा करना संभव नहीं हो पाता। अगर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और जूडो कराटे जानता है वो, तो कई लोगों का सामना कर सकता है। लड़कियों के लिए तो ये गेम बहुत ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि जितना उनका अपने सौंदर्य के जो सामान या वस्तुएं लाती हैं महिलाएं, तो उससे कहीं ज़्यादा गुना ये गेम है। अगर महिलाएं लड़कियां इस गेम में पार्टिसिपेट करती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो मेरा मानना है कभी जिंदगी में कोई खतरा नहीं होगा। यह आर्ट ना सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए है, बल्कि इसके अलावा आत्मरक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है। इसको सीखने के बाद खास तौर से महिलाएं और बच्चे अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, जिससे माता-पिताओं को भी सुरक्षा का भाव मिलता है। आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियां और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, लेकिन इस आर्ट के सीखने के बाद उनमें सुरक्षा का भाव पैदा होगा। तो वहीं आयोजक महेंद्र सिंह और मोहम्मद अशरफ ने भी इस आयोजन से जुड़ी जानकारियां दी। ये बच्चे इसमें भाग लिए, कहाँ कहाँ बच्चे आए हैं? इसमें लगभग 130 140 के आसपास बच्चे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं। आगरा, कानपुर, उन्नाव, बरेली, मेरठ और काफी जगह, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश आया हुआ है। कभी उद्देश्य था इस गेम को कराने का? इस गेम को कराने का एक टैंगशूडो टाइकांडो की तरह का गेम है, इसको प्रमोट करने का उद्देश्य है, क्योंकि इसकी एक 28 जनवरी को नेशनल चैंपियनशिप होने वाली दिल्ली में। जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे, गोल्ड जीतेंगे, वो उस गेम को खेलने जाएंगे दिल्ली। किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है ये गेम, कैसे इसको अपने लाइफ में ढालना चाहिए और क्या फायदे मिलेंगे? ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी अच्छा गेम है और इसमें बच्चों को लगने की संभावना ना की बराबर है, क्योंकि इस गेम ने फेस की अलाउड ही नहीं किया है, फेस से मारना अलाउड नहीं है, तो काफ़ी सेफ गेम है। तो पेरेंट्स भी खुश रहता है कि बच्चा मेरा खेल भी रहा है और चोट से भी बचता है, इसलिए टैंक शॉट हमको गेम बहुत अच्छा लगा। लाभ है इस गेम को सीखने के लिए लड़कियों के लिए? लाभ ये है कि ऐसा नहीं कि केवल एक अच्छी नौकरी या फिर बैंकिंग हुई या टीचरिंग हुई उसी में ही अच्छी कमाई है, लेकिन अगर बच्चा अच्छी तरीके से सीखे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रकोप कर सकता है।
तरह बांग्लादेश से भारत आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत हिंदुस्तान में। लेकिन इस गेम में क्या खास है जो इतनी दूर से आपको खींच गया? देखिए, ये गेम में खास ये है, हम लोग का एक गेम से आदमी देश का पहचान मिलता है, वो जो लाके खेलते हैं उसको भी पैसा मिलता है, इसलिए हम लोग आता है हम लोग को बांग्लादेश में ये डेवलप करने के लिए, जो लाखों लोग जरूर है इंटरनेशनल गेम में अटेंड करने के लिए, इसलिए हम लोग आ रहा है। हम लोग 2012 से आ रहा है, 2012 से आए, हॉल साल में हम लोग आता है यहाँ पर गेम करने के लिए। ये जो गेम है इसको बहुत ज़्यादा सरकार सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्या वजह है कि अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो बहुत अच्छी प्रतिभाएं बाहर आ पाएंगी? देखिए, सरकार तो सपोर्ट करने के लिए मीडिया लोग का फोकसिंग करना है, क्योंकि हम लोग तो करना एक टाइम में आएगी, क्योंकि काम करके दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो सरकार देखेगा जो ये डेवलप हो रहा है, ये अच्छा कर रहे हैं तो आएगी, एक टाइम में सरकार का ये फंड आएगी। और क्या है, बच्चा लोग का जरूरी है ये सेल्फ डिफेंस के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए कंपलसरी करना है सबको। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, एक्चुअली सरकार को ध्यान देने के लिए आप लोग मीडिया लोग जितना भी फोकस करेंगे बहुत फायदा है, इसलिए फायदा क्या है, उसका फिजिकल फिटनेस के लिए फायदा है, उसका देश के पहचान मिलते हैं, वो अच्छा गेम करेगा तो उसको पहचान मिलते हैं, देश के पहचान मिलते किसका, कौन देश का, इंडिया का है खेला गेम, इसीलिए तो एक देश के पहचान के लिए गेम होता है। देखिए, ये इतना मार्शल आर्ट की एक शैली है जिसका नाम है तेंग शुडू। इंडिया के अंदर 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो आज ये प्रतियोगिता हो रही है उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल की एक प्रतियोगिता है तेंग शुडू की, इसका आयोजन ब्रिज स्पोर्ट्स एकेडमी मथुरा के द्वारा किया जा रहा है। इसके आयोजक हैं मोहम्मद अशरफ और महेंद्र सिंह। देखिए, इतना मार्शल आर्ट की कोई भी अगर शैली या कोई भी स्टाइल है उसके अंदर हमारी फिजिकल फिटनेस भी सही रहती है, और साथ के साथ हम मार्शल आर्ट के द्वारा अपना सेल्फ डिफेंस बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और खासकर गर्ल्स के लिए मैं तो ये कहूँगा कि इतना गर्ल्स को तो हर हालत में सीखना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को इस प्रति जिज्ञासा रहनी चाहिए कि अपने बच्चे को वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूवमेंट कराएं, ताकि वो अपना बचाव हर जगह कर सकें। अभी जैसे कि दिल्ली के अंदर अभी एक अंजलि लड़की का एक हादसा हर मीडिया के अंदर आया हुआ है, वो देर रात को निकली हुई थी, अगर उसके पास थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस की इतना टैक्ट होता तो शायद वो कुछ ना कुछ तो अपना बचाव कर पाती।